हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें। और जिसने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मीन्स जो लोग हमारे नए हैं, जो इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो वो मेरा चैनल ज़रूर विजिट करें, देखें। उसमें आपको पूरे HTML की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी सीक्वेंस मिलेगा आपको, और वो आपके लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा। और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ठीक है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था हमारी HTML लिंक्स क्या होती हैं, हम लिंक कैसे इंक्लूड कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि HTML इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस का रोल क्या होता है, और इमेजेस को कैसे इंक्लूड कराते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐड होते हैं हमारे इमेज टैग में, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा देखिए लिखा हुआ है HTML इमेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम। Images can improve the design and the appearance of a web page, so that's why we use images. ठीक है, तो images हमारा बहुत important role perform करता है, तो इसीलिए हम हर website में हर जगह images use करते हैं, जो कि उसका appearance और look and feel एकदम change कर देता है। अब हमारा HTML images का syntax क्या होता है जो हम use करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए screen पे लिखा हुआ है ब्रैकेट ओपन img ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये img है, img टैग हमारा क्या बोलते हैं एम्प्टी टैग होता है, तो इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। हम हमेशा बट क्या करते हैं, एंड में एक स्लैश लगा देते हैं, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है हमारा, ठीक है। तो कोई भी हमें अगर इमेज एम्बेड करनी है, इमेज को ऐड करना है, तो हम img टैग का यूज़ करेंगे। img टैग में दो हमारे ऐसे एट्रीब्यूट हैं विच आर वेरी यूजफुल एंड रिक्वायर्ड, ओके। तो पहला तो हमारा हो गया src। इसमें क्या करते हैं, हम हमेशा जो भी इमेज होती है उसका हम पाथ देते हैं कि हमारी इमेज कहाँ है। अगर हम इमेज कहीं फोल्डर से उठा रहे हैं, तो उस फोल्डर को जो हमारा HTML तक रीच करने का पाथ होगा वो हम पाथ देंगे, या फिर हमारी कोई लाइव लिंक होती है तो हम उस डायरेक्ट लिंक को पास कर देंगे src में, ठीक है। तो जैसे कि अगर सर्वर पे अपलोड है तो इस तरह से, तो वो इमेज का पाथ बेसिकली हम src में पास करते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है alt टैग। alt टैग के बारे में हम थोड़ा सा पहले भी आपको काफ़ी बता चुके हैं, बट हम फिर से बताते हैं। alt टेक्स्ट हमारा इसलिए युद्ध, alt टेक्स्ट का मतलब alternate टेक्स्ट, दैट मीन्स कि जब हमारा इमेज किसी भी इशू की वजह से, नेट इशू या फिर पाथ गलत है, तो फिर हमारी इमेज लोड नहीं होती है, राइट। तो उस समय अगर हमारी इमेज लोड नहीं हो रही है तो हमारा इमेज ना दिख के वहाँ पे alternate टेक्स्ट दिखेगा, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी वहाँ पे कौन सी इमेज लगी हुई है। तो बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं हम alt टेक्स्ट। हमारे दो एट्रीब्यूट और होते हैं, हाइट एंड विथ, जिसमें हम इमेज की हाइट विथ डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे, और अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू पास कर देंगे, या फिर हमें ऑटो लगाना है या फिर विद 100% लगाना है, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे पास कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमें कोई स्टाइल एट्रीब्यूट भी यूज़ करना है, कि अगर हम कोई इनलाइन स्टाइल फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, तो हम इमेज के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम इनलाइन CSS पास कर सकते हैं। इमेज हमारा जो टैग होता है उसमें हम बहुत सारे फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, वो फॉर्मेट है हमारा JPG, JPEG, PNG, SVG, GIF etc. तो ये सारे कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारा img टैग सपोर्ट करता है, तो हम इस फॉर्मेट के जो फाइल्स हैं वो हम img टैग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बाकी चीज़ें हम आपको बताते हैं स्क्रीन पे करके। तो आई थिंक डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब चलिए बढ़ते हैं सबलाइम की तरफ, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे आता है और हम कौन कौन से एट्रीब्यूट इंक्लूड कराते हैं। तो चलिए अब आपको सबलाइम पे ओपन करते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे अब हम पहले सबसे फोल्डर क्रिएट कर लेंगे प्रैक्टिस 8 के नाम से, प्रैक्टिस 8 के नाम से, राइट। अब यहाँ पे हम जो कि हम क्योंकि इमेज वाला बता रहे हैं, तो हम ये इमेज को उठा के रख लेते हैं प्रैक्टिस 8 के अंदर, और इसका नाम कर देते हैं
बैनर। ओके अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे प्रैक्टिस 8 में और फिर हम क्रिएट करेंगे न्यू फाइल, कंट्रोल एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, किया सेव। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एच टी एम एल, टैब एंटर, इसको हम बड़ा कर देते हैं इसमें आपको दिखे हिसाब से। फिर अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि इमेज टैग का हमारा जो कैसे लिखते हैं, तो वो अब हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स एस आर सी इज इक्वल टू, अब इसको हम कर देंगे क्लोज। अब हमारा दो एट्रीब्यूट मैंने बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक हमारा एस आर सी और दूसरा हमारा ऑल टेक्स्ट, तो हमने दोनों को लिख लिया है यहाँ पे। अब हमें इमेज के एस आर सी के अंदर डालना है इमेज का पाथ। अब इमेज का पाथ हमारा जस्ट बगल में ही पड़ा है, तो हम यहाँ पे दे देंगे बैनर, और हमारा है ये पी एन जी फॉर्मेट, तो बैनर डॉट पी एन जी। तो अब देखते हैं इसको हम ब्राउज़र में रन करके कि हमारा किस तरह से दिखता है। ये देखिए हमारी इमेज फुल आ गई, राइट। अब हम इसमें डालते हैं ऑल टेक्स्ट, यहाँ पे डाला मैंने फ्री इमेज, ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको बैनर्स, जिससे हमारा नाम गलत हो जाए। ये देखिए फ्री इमेज हमारा, ये है ऑल टेक्स्ट जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम रिवर्ट बैक कर देते हैं, ये सही कर देते हैं। अब हमने बताया था इमेज में हमारे दो और एट्रीब्यूट होते हैं, विड्थ और हमारा हाइट। अब हम इमेज की हाइट विड्थ वैसे भी दे सकते हैं और हम 100% भी दे सकते हैं। अभी हम 100% और हाइट दे देते हैं ऑटो, मतलब हमारा जिस हिसाब से होगा वो हमारी हाइट ले लेगा। ये देखिए विद 100% हमारा इसने ले लिया और हाइट हमारी इमेज के अकॉर्डिंग ले ली, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हम इमेज को डिफाइन करते हैं। अब आपको एक और ट्रिक करके दिखाते हैं, जैसे अब ये यहाँ पे रखी थी तो मैंने यही दे दिया, राइट। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं फोल्डर एक इमेज नाम का, मैंने ये फोल्डर किया। अब इसको रख दिया मैंने कंट्रोल एक्स किया और इस इमेज के अंदर रख दिया, इमेज फोल्डर के अंदर। अब हम अगर अब चाहें तो, अगर आपको लग रहा होगा कि अब भी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो इमेज आ जाएगी, नहीं आएगी क्योंकि हमारा इमेज का पाथ चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इमेज का पाथ देंगे, तो हमेशा पहले हम जैसे अगर इन हमारा ये पाथ क्या है इमेज, अगर इसे जाना होगा इमेज तक तो कैसे जाएगा, हमारा इमेज के अंदर जाएगा फिर हमारा बैनर अंदर। तो हम पहले इमेज ये क्लिक किया, फिर ये हमने स्लैश लगाया, मतलब इमेज के अंदर बैनर, ठीक। तो ये हमारा इमेज के अंदर जाके बैनर में गया, फिर हमारा ये इमेज इस तरह से अपलोड। अब देखते हैं, अब आपको दिखाते हैं हमारी इमेज, ये हमारी देखिए इमेज आ गई, दैट मीन्स उसको पूरा पाथ मिल गया। पहले वो इमेज में जाएगा, फिर हमारा बैनर इमेज वहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये इमेज के अंदर ये देखिए पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा पाथ होता है, तो हम इस तरह देते हैं। बाकी अगर हमारी कोई लिंक है जो हमारी सर्वर पे अपलोड है, तो बस लिंक हम यहाँ पे पूरी अपनी जो लिंक होगी वो हम बस पास कर देंगे और हमारी इमेज रेंडर हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम इमेज का यूज़ करते हैं। तो गाइस कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? आई थिंक इमेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो जो लुक एंड फील आता है, जो हमारी वेबसाइट जिस तरह से दिखती है, वो टोटली इमेजेस पे, अगर हम कह सकते हैं तो इमेज पे डिपेंड करती है, क्योंकि इमेज ही वेबसाइट को वो खूबसूरत बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, और तो इसलिए आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फिर चलिए आते हैं अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें और ये वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि किसी को अगर हेल्प चाहिए हो तो उस तक वो चीज़ पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।